जहाँ तक बात रही इस रिकॉर्ड की, जिससे मुझे फीलिंग है, तो यकीन करें कि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा इस चीज़ का बहुत खुशी हुई है इस बात की कि ये रिकॉर्ड हमारे पाकिस्तान की सतह पर, जो हमारे पाकिस्तान के लिए, और जहाँ पीछे जितनी बातें होती थी उससे मुझे एक पुश मिलती थी और एक चैलेंज मिलता था, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेता था अक्सर इस चीज़ को। मगर आप ज़रूर, अगर मैं इसका रिकॉर्ड की बात करूँ तो इसको मैं ज़रूर, मेरे जो हिस्सेदार है मैं उसको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। स्पेशली अगर मैं बात करूँ रिचर्ड बाइबस की, जिसने मुझे थोड़ी सी मेंटली जो चीज़ें थी T20 के हवाले से वो दिए, और एनजी भाई ने कुछ जो आइडियाज़ थे वो दिए थे। और मैं अगर तीसरा बंदा मेंशन करूँ, जो मेरे ख्याल से मेरे बिहाइंड द सीन जो बंदा है, जिसने मेरी काफ़ी हेल्प की थ्रू आउट पूरे एक साल में, जिस ग्राउंड में जिसके सिस्टम की मुझे प्रैक्टिस ज़रूरत हुई उसने मुझे अरेंज की है, जिस बॉलर के अगेंस्ट क्या कुछ करना था मुझे अरेंज किया, वो हमारे पाकिस्तान टीम के शायद असलम भाई है। तो मेरे ख्याल से मेरे पूरे का हिस्सेदार इस रिकॉर्ड में जो है ना, शायद असलम भाई भी है, जिन्होंने मुझे अच्छी तरीके से हर जगह पे उसी तरह से मैनेज किया जिस टाइम मुझे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से खेलने की। सबसे पहले तो चैलेंज था इस बात का कि यार, क्योंकि इससे पहले जो बातें होती थी कि यार ये खेल नहीं सकता, ये छोटी फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक चैलेंज लेना पड़ता है। वो जो आप इंसान के अंदर से बिलीव आती है, वो आता है अपने आप पे, ट्रस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात, मैं ज़रूर इस बात को भी मेंशन करूँगा, जहाँ पे मुझे वो मौका मिला था ओपन पे, जो मैनेजमेंट ने मुझे जब फैसला किया ओपन पे जाने का, तो वो मुझे सूट कर गया। और वहाँ पे ना बेसिकली वो एक जगह थी मेरे मेरे जहन में भी ये थी कि यार लोगों ने मुझे मौका तो दे दिया आज, और ये एक मौका मेरे पास है, अगर इंशाल्लाह मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूँ, जो चीज़ें मेरे अंदर से है उसको निकाल सकूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जगह थी मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था। और फिर अल्लाह पाक ने वहाँ पे मेरी मदद फरमाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वहाँ पे एक मोमेंटम बना मेरा, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा है अल्लाह पाक आज भी चला रहा है। ये खामोशी के उसमें था सारा कुछ, पता ही नहीं चला, मैं भी तो बताना नहीं चाह रहा था, मगर बहरहाल जो हालत थी थोड़ा सा अजीब सी हालत थी, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था जिस टाइम फैमिली भी मेरे साथ थी होटल में, तो मैंने कहा, मैं सर यही कहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ ECG के लिए होटल में इसी में, मगर बहरहाल जो हॉस्पिटल गए तो मेरी बिल्कुल सांस रुकी हुई थी, और दोनों जो डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों ट्यूब्स जो थे वो खराब वाली सांस वाली दोनों बंद हो चुके थे। हालांकि फिर वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे, क्योंकि उसने कहा कि सुबह तक ठीक हो जाओगे, चले जाएंगे, फिर जो थोड़ा सा दोपहर का टाइम हुआ तो फिर उसने कहा कि आप शाम को चले जाएंगे। तो मैंने एक नर्स से पूछा तो उसने कहा कि यार अगर आप 20 मिनट और लेट हो जाते तो आपके दोनों ट्यूब्स पड़ जाते, आपको ना अब यहाँ पे रहना पड़ेगा दो रातें जितने भी हो सके। मगर बहरहाल वो एक मुश्किल सिचुएशन ये थी कि वो बार बार आते थे, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करते थे, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, जब वो टेस्ट करता था जो उस किस्म की भी जो टेस्ट थे, ECGs वगैरह, पता नहीं मुझे नाम भी नहीं आते जो चीज़ें थी, तो मैं सिर्फ ये कहता था कि ये टेस्ट मेरे लिए इसलिए हो रहा है कि इससे मेरा थोड़ा यहाँ पे मैच के लिए, मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, मैं यहाँ से मैच के लिए ठीक हो जाऊँगा, यहाँ से मैच के लिए ठीक हो जाऊँगा। तो मैं खुशी खुशी वो चीज़ें कर रहा था कि यार मैं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब आए तो उसके अल्फाज मुझे भी याद है कि वो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि रिजवान मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल खेले, तो उससे जो मुझे एक बूस्ट मिली, तो मैं फिर ज़्यादा जब वो मुझे एक बात तक कहता था तो मैं और बिल्कुल तरीके से दो दो कदम आगे बढ़ता था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो भी चाह रहा है कि मैं खेलूँ, और मैं भी तो चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए खेल सकूँ। मगर आखिर में जब उसने कहा कि रिजा आपकी हालत ऐसी नहीं है, तो फिर थोड़ा सा हुआ, एक बात उसको मैंने की है कि जो भी होता है बाद में, क्योंकि उसने एक रिस्क की बात की है कि रिजवान आपको इसके बाद ये रिस्क हो सकता है, इसके बाद ये रिस्क हो सकता है, तो मैंने कहा जब मैं हॉस्पिटल आया था उस समय तो मैं ठीक ठाक था, उस समय तो मैच खेला नहीं था, तो अल्लाह ने जब बीमार करना था तो बीमार अल्लाह ने करा दिया, हॉस्पिटल ले आया। अगर मैच के बाद मुझे कोई ऐसी चीज़ होती है तो मुझे उस पर दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए होगा, तो इसलिए इस बात में उनको भी बूस्ट मिली, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो जल्दी रिकवरी में थी, और उसमें थोड़ा सा था एक मतलब दर्द वगैरह था, मगर अल्लाह ने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले सिनेरियो था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम तो बिल्कुल सांस रुक रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, और इंशाल्लाह कल से इंशाल्लाह प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी रेस्ट का 2-3 दिन का कहा हुआ था हमारे डॉक्टर्स ने और फिजियो ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेस्ट किया, कल से इंशाल्लाह प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। जहाँ तक पिलो की बात है, तो ये तकिया बेसिकली मेडिकेटेड पिलो है, और मेरा आपको पता है कीपर का हमेशा से थोड़ा सा गर्दन का मसला रहता है, क्योंकि ऊपर नीचे बैठना होता है, हेलमेट फील्डिंग भी पहनी रहती है, अगर बैटिंग है तो फिर भी हेलमेट पहना रहता है, जिसकी वजह से गर्दन जो है बिल्कुल सुकड़ सी जाती है और टाइट हो जाती है,
जिसकी वजह से ये मुझे मेडिकेटेड पिलो जो है लोगों ने रेफर किया, इसकी वजह से मुझे काफी सुकून होता है रात को सोने में। और क्योंकि आपको पता है कि ऑब्वियसली जहाँ हमें रिकवरी जरूरत होती है तो रिकवरी में नींद हमें काफी जरूरी एक ऐसा अहम है जिससे हमारी रिकवरी बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए मैं इसको कैरी करता हूँ। और सम टाइम तो ये नजर इसलिए आ जाता है कि वो एक रात भी मैं उसको मिस नहीं करना चाहता कि यार एक रात का चांस लूँ और इसको मैं बैग में डाल के भिजवा सकूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि नहीं अगर मैं हाथ में पकड़ के ले जा सकूँ, थोड़ी सी मुशक्कत ले सकूँ इस टाइम, तो मेरे आगे की रिकवरीज अच्छी होगी और मैं जिस खेल सकूँगा, तो इसलिए मैं उस एक टाइम के एक रात का चांस नहीं लेता इसमें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप इसी वर्ल्ड कप की बात करें, मैचेस की बात करें, तो पावर प्ले की अगर बात आ जाती है तो आप देख लीजिएगा कि ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। और मैं नहीं कह रहा, बल्कि जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड कप में जितने भी कोचेज आए थे, स्टार जो प्लेयर्स थे, एक्स प्लेयर्स, वो सारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये है कि जो उनके मेन अटैकर जो थे मुखालिफ के अपोनेंट के, ये उनको विकेट नहीं देते, हाथ में रखते फिर एंड में 170-160 जो दुबई इस कंडीशन में वो कर लेते हैं जो सबसे मुश्किल वगैरह होती है। मगर मेरे ख्याल से हमें असेस करना चाहिए कंडीशन को। हाँ, मैं मानता हूँ कि उस तरह पावर प्ले नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, मगर आप देख ले तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर ले, क्योंकि हर एक टीम का जो तगड़े जो पावर हिटर जिनके पास है उनका भी पावर प्ले तो 42-43-45 पे फिनिश हो रहा है। अगर हमारी एवरेज निकाल दी जाए तो तकरीबन हमारी 40 पे फिनिश होगा, और ये सबसे बेहतर होगी कि हमने उसमें विकेट थ्रो नहीं किया, क्योंकि नजर आने में ये लग रहा है कि क्या हमने छक्के नहीं मारे या ऐसा या वैसा, फॉर एग्जाम्पल जो बातें भी है पावर प्ले के हवाले से। मगर मेरे लिए तो मेरे लिए बल्कि हमारे हम कप्तान और मेरे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि हम जो प्लेन लेके जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करना कोशिश करते हैं कि हमारा प्लेन क्या होता है। हाँ, ये मुश्किल जरूर है, देखने में अजीब सा लगता है कि यार पावर प्ले में हमारे पावर हिटर नहीं है, रन कम है, मगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एनालाइज करें, आप देख लें, अगर ओवरऑल किसी की भी पूरी जो वर्ल्ड कप की टीमें थी उनका एवरेज 44-45 आएगा, ठीक है, और हमारा एवरेज निकाल दे 40 आएगा, मगर उसमें आप देख लें कि हम कितनी दफा हमने विकेट थ्रो किए और हमने दूसरी अपोनेंट टीमों से कितनी विकेट हासिल किए, तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। जहां तक ढाका की बात है तो या कंडीशंस तो हर जगह आपको मुख्तलिफ मिलते हैं, और क्योंकि जो वर्ल्ड कप से पहले का सिनेरियो था यहाँ पे तो काफी ग्रिप कर रहा था, स्पिन कर रहा था, टर्न कर रहा था, सब कुछ चीजें ऐसी थी जो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल थी। मगर अब इंशाल्लाह देखते हैं, कल जाऊंगा अब ग्राउंड पे, देखेंगे, असेस करेंगे कि क्या इन लोगों ने क्या प्रिपरेशन की पिच के हवाले से और क्या है चीजें, क्योंकि हम अपने आइडिया से कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लो होगा, ग्रिप कर रहा होगा, बॉल रुक रहा होगा, ये सारी अपने आइडिया से कह सकता हूँ, मगर कल जाऊंगा तो इंशाल्लाह असेस करके बहुत चीजें सामने आ जाती है। जैसे मैथ्यू हेडन है, मतलब आप उसके देखिए जी, स्टेज पे कोई आपका बल्ला नहीं पकड़ सकता, ना कोई आपको ऐसी चीजें बता सकता है जिसमें बहुत सी तब्दीली आ जाए, मगर इस स्टेज पे आपको जो ना ऐसी चीजें बताता है इंसान जिसकी वजह से आपको जो है ना एक क्ल्यू मिलता है। जैसे अगर आप इससे पहले हमारे यूनुस भाई थे, यूनुस भाई से एक दो तीन क्ल्यू मुझे मिली थी जो मेरे ख्याल से मेरे करियर में काफ़ी मदद की उसमें आगे जाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल मैं उसको उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ जो यूनुस भाई से बताई गई थी मुझे। सेम इस तरह भी मैथ्यू हेडन ने ऐसी चीज़ें बताई, बल्कि वो मेरे लिए तो नहीं, मेरे ख्याल से मैं पूरी जो पाकिस्तान टीम के बैटर्स थे जिन लोगों ने वो अगर पिक की होगी तो उनके करियर में वो काफ़ी मददगार होगी उनके लिए। तो ये एक स्टेज आता है कि हर स्टेज पर आप हर एक प्लेयर से जो उनका अपने एक्सपीरियंस हुआ होता है वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दो तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो आपके करियर में वो काफ़ी हेल्प करती है आगे जाने के लिए।